वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सी और सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपके समक्ष 10वीं वर्ग की जो हमारा अध्याय है अम्ल क्षारक लवण, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसी को आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूँ। तो चलिए, इसका जो प्रथम प्रश्न जो है हम उसकी ओर चलते हैं। इसमें दिया हुआ है पहला हमारा कि अम्ल के बारे में कि अम्ल क्या है। तो अम्ल पर चलते हैं सबसे पहले कि अम्ल के बारे में कहा जाता है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। तीसरा दिया है, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। चौथा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया जिसका अर्थ है खट्टा। और इसमें इसका उदाहरण जो दिया गया है कि प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, दुर्बल अम्ल मेथनोइडिया C3H3COOH, इथेनोइक अम्ल, लैटिक अम्ल, ऑक्जैलिक अम्ल, सांद्र अम्ल जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है, उसको हम सांद्र अम्ल कहते हैं। अगला दिया गया है तनु अम्ल, जिसमें अम्ल कम मात्रा में या अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है। अगला पॉइंट दिया है क्षारक, कि क्षारक किसे कहते हैं। तो क्षारक का परिभाषा इसमें दिया गया, क्षारक क्या है, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं, ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। इसका उदाहरण दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका उदाहरण दिया गया है। तो इसमें सीधा सीधी हम कह सकते हैं कि उदाहरण में ये प्रबल क्षारक पोटेशियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दुर्बल क्षारक NH4OH मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्षार किसे कहते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, जैसे NaOH, KOH, MgOH का होल टू। लवण क्या है, लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है, उदाहरण NaCl, KCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। अगला पॉइंट हमारा दिया गया है कि सूचक या इंडिकेटर क्या है। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाता है, इसका रंग या अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है, अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाता है। इसमें दिया गया है कि क्षारक सूचक के प्रकार, तो सूचक का प्रकार दिया गया है, तो सूचक के प्रकार में हम सीधा लिख सकते हैं कि सूचक के प्रकार दिया है प्राकृतिक सूचक, ये पौधों में पाए जाते हैं जैसे लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया पौधे के फूल या हल्दी। अगला दिया कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, ये रासायनिक पदार्थ हैं जैसे मैथिल ऑरेंज या फिनॉल फ्लेथिन। गंधीय सूचक, इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में बदल जाती है, जैसे प्याज, लौंग, तेल इत्यादि। अगला प्रश्न इसी में अगला पॉइंट है कि लिटमस ये सूचक है, इसका गंध में परिवर्तन या रंग में परिवर्तन अम्ल के साथ क्या आता है। तो लिटमस का अम्ल के साथ अब ये कराते हैं तो रंग लाल रंग देता है, और लिटमस का अगर हम क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो नीला रंग का हो जाता है। लाल पत्ता गोभी, ये इसका अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लाल हो जाता है, इसका अभिक्रिया अगर हम करते हैं क्षारक के साथ तो हरा हो जाता है। हल्दी, कोई बदलाव नहीं होता और ये क्षारक के साथ लाल रंग हो जाता है। हाइड्रेंजिया का फूल का रस, ये नीला रंग हो जाता है और क्षारक में गुलाबी रंग का हो जाता है। इसी प्रकार दिया फिनॉल फ्लेथिन जो कृत्रिम है, कृत्रिम सूचक फिनॉल फ्लेथिन, ये रंगीन होता है और क्षारक के साथ गुलाबी रंग देता है। मैथिल ऑरेंज अम्ल के साथ लाल रंग देता है और क्षारक के साथ पीला रंग देता है। इसके साथ अलावा दिया गया गंधीय सूचक, प्याज का रस तीक्ष्ण गंध वाला होता है, अम्ल के साथ तीक्ष्ण बहुत
खराब गंध देता है, क्षारक में कोई गंध नहीं देता है। वैनिला, इसका अम्ल के साथ गंध समान ही रहता है, क्षारक में कोई रंग गंध नहीं बनता है। लौंग का तेल, इसमें गंध समान गंध रहती है और क्षारक के साथ कोई गंध नहीं होता है। अगला पॉइंट इसका है अम्ल व क्षारक, क्षारों के रासायनिक गुण। तो इसका हो जाएगा धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ और क्षारक के साथ। तो धातु की अभिक्रिया जब लेके चलते हैं तो अम्ल के साथ, तो अम्ल के साथ अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। जब सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक क्लोराइड का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस देता है। इसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस देता है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे कि जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस ही है, इसके पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, पॉप टेस्ट करते हैं। हाइड्रोजन गैस से निहित प्रकनली के पास जब जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है या माचिस की तीली जलाती है या लाइटर जलाई जाती है तो इस टेस्ट में हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने का प्रयोग करते हैं। तो जब जलाया जाता है जब, तो चिटचट फटफट या चटचटाहट की ध्वनि उत्पत्ति या पॉप की ध्वनि उत्पत्ति होती है, इससे पता चलता है कि जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। अगला यह है कि धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट की उपस्थिति या धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया हम धातु कार्बोनेट के साथ करते हैं तो लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जल देता है, क्षारक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होता। इसी प्रकार जब अम्ल की अभिक्रिया हम धातु बाइकार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करते हैं तो लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और जल बनता है। चूने के पानी का टेस्ट, जो चूने के पानी का टेस्ट करते हैं तो उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 की, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में या चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है तो यह दूधिया रंग हो जाता है, यह कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और जल का निर्माण कर देता है। अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर, जब अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में, तो यहाँ देखिए कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जब जल से छात कराते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अधिक मात्रा में प्रवाहित करते हैं तो जल में घुल जाता है, पूरा पूरी जल में घुल जाता है। अगला दिया अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। तो अम्ल और क्षारक की जब परस्पर अभिक्रिया कराते हैं तो लवण बनता है और जल बनता है, उदासीनी क्रिया अभिक्रिया। जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव अथवा तथा क्षारक तथा द्वारा अम्ल के प्रभाव समाप्त हो जाता है, परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। इसी प्रकार जब उदाहरण दिया गया है कि जब हम प्रबल अम्ल के साथ दुर्बल क्षारक की अभिक्रिया करते हैं तो अम्लीय लवण और जल बनता है, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक की अभिक्रिया करते हैं तो क्षारीय लवण और जल बनता है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक की अभिक्रिया करते हैं दासी लवण और जल का निर्माण होता है। इसी प्रकार हम जब दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक की अभिक्रिया करते हैं तो उदासीन लवण और जल का निर्माण होता है। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया जब अम्ल के साथ कराते हैं तो लवण और जल बनता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करते हैं तो कॉपर क्लोराइड और जल का निर्माण करता है। कॉपर क्लोराइड के बनने के से बिलियन का रंग, कॉपर क्लोराइड के बनने से बिलियन का रंग नीला हो जाता है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उदाहरण कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न हमारा जो दिया है इसी में अगला पॉइंट इसका कि धात्विक ऑक्साइडों की क्षार के साथ या क्षारों के साथ अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड प्लस क्षार, लवण प्लस जल। तो जब
कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जल देता है। अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक तो जल में उपस्थित अम्ल एच प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। एच प्लस आयन या एच थ्री ओ प्लस हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। एच प्लस प्लस एच टू ओ एच थ्री ओ प्लस जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो एच थ्री ओ प्लस या सी एल माइनस आयन का निर्माण होता है। जल में उपस्थित क्षारक ओ एच माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब हम जल के साथ कराते हैं जल यहाँ पर क्या उत्प्रेरक है तो एन प्लस ओ एच माइनस आयन का निर्माण करता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसकी अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो टूट जाता है। जब टूटने के बाद एम जी ओ प्लस टू आयन और टू ओ एच माइनस का आयन का निर्माण करता है। अगला पॉइंट दिया गया है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानियां बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है। अगर हम अम्ल में जल मिलाते हैं तो इसे लगातार हमको हिलाते रहना पड़ेगा। अगर नहीं हिलाते हैं तो विस्फोट हो जाएगी या इससे जो अम्ल के है कण है छिटक कर हम पे पड़ जाएंगे बहुत ज़्यादा ऊष्मा की वजह से। अगला दूसरा दिया है इसी में पॉइंट की जब सांद्र अम्ल में जल न मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्र आस्फलित होकर बाहर आ सकते हैं तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच के पात्र भी टूट सकता है। अम्ल को जल में डालने से तो अम्ल को जब जल में डाला जाता है तो जल में डालने पर मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है या ज़्यादा गर्म होने के बाद खोलने के बाद वो क्या उसके कण बाहर आ सकते हैं या पूरा पूरी उबल कर बाहर आ सकता है। स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। अगला पॉइंट हमारा दिया गया कि जब अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस देता है। तो धातु के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं अम्ल की तो अभिक्रिया करने के बाद अम्ल की अभिक्रिया जब कराते हैं धातु के साथ तो ये करता है। इसमें कह रहा है कि अम्ल की अभिक्रिया जब हम धातु बाइकार्बोनेट के साथ करते हैं तो अम्ल लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। इसी प्रकार हम अम्ल की अभिक्रिया इसमें कह रहा है कि अम्ल की अभिक्रिया हम धातुक ऑक्साइड के साथ करते हैं तो लवण और जल बनाता है। धातुक ऑक्साइड के साथ करते हैं या धातु के साथ करते हैं तो लवण और जल बनाता है। इसी प्रकार इसमें दिया है कि उसके अभिक्रिया जब हम क्षारक के साथ करते हैं तो जल और लवण बनाता है। धातु कार्बोनेट के साथ करते हैं तो लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। धातु के साथ करते हैं तो लवण और जल बनाता है लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। इसमें दिया गया कि क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं धातु की तो लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। क्षारक की अभिक्रिया धातुक ऑक्साइड के करते हैं तो लवण और जल बनाता है। धातु बाइकार्बोनेट के साथ करते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होता है। अम्ल के साथ कराते क्षारक की तो जल और लवण बनाता है। अगला दिया है कि अगर हम धातु कार्बोनेट के साथ करते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं करता है तो अम्ल व क्षारकों की समानता है।
सभी अम्ल एच प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, सभी क्षारक ओ एच माइनस उत्पन्न करते हैं। ये हो गया इसकी समानताएँ। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिला जाता है तो यह तनुकृत हो जाता है। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता एच थ्री ओ प्लस या ओ एच माइनस आयन के प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। क्षार व अम्ल की प्रबलता, किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न एच प्लस आयन या ओ एच माइनस आयन की संख्या पर निर्भर करती है। इसमें अब आ गया पॉइंट हमारा कि किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सार्वभौम सूचक या यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता के विभिन्न रंगों को प्रदर्शित करता है। इसका अगला दिया कि पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल को हम पोटेंज भी कहते हैं, पोसांस भी कहते हैं, जर्मन भाषा में इसको हम पावर भी कहते हैं। तो इसका परिभाषा जो हो जाएगा कि किसी विलयन व प्रति एच प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में पी है, पी का अर्थ होता है पोटेंज या पोसांस, जो एक जर्मन भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ शक्ति, अगर शक्ति होता है। अगर पीएच का मान 7 होता है तो वह उदासीन होता है। पीएच का मान 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है। पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक अंक अंकित होते हैं। तो ये याद रखिए कि अम्ल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक दुर्बल अम्ल एक प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल में ये सब है, इथेनोइक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, और प्रबल अम्ल में दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। दुर्बल क्षारक प्रबल क्षारक इसी प्रकार दिया गया है। तो दुर्बल क्षार में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, प्रबल क्षार में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें आगे जो दिया गया है कि OH- माइनस आयन की मात्रा पर दुर्बल या प्रबल की मात्रा निर्भर करती है क्षारक में। इसमें दिया है कि जब पीएच की मान 7 से कम होता है या 7 से कम लगातार होता चला जाता है, और जैसे जैसे वो 1 के नज़दीक जाता है तो 7 से जितना कम होता जाता है उसकी अम्लीयता बढ़ती जाती है, और 7 से अधिक होता है तो क्षारीयता बढ़ती जाती है, और 7 होता है तो वो उदासीन हो जाता है। तो इसमें अब अगला पॉइंट हमारा दिया है कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच प्रास के बीच कार्य करता है। वर्षा के जल का पीएच मान 5.5 या 5.6 से कम हो जाती है तो वह वर्षा अम्लीय वर्षा या एसिडिक रेन कहलाती है या तेजाबी वर्षा कहलाती है। अब दिया है कि मिट्टी का पीएच, तो मिट्टी का पीएच भी जानकारी होना चाहिए। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच प्रास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच मान पीएच कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय क्षारकीय पदार्थ मिलाते हैं। हमारे पाचन तंत्र का पीएच, हमारा उदर या स्टोमैक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता जो भोजन के पाचन में सहायक या मददगार होता है। अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द या जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों उपयोग का किया जाता है, जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगला दिया है कि पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। अगर पीएच के परिमाण में परिवर्तन होता है उससे दांत को नुकसान होता है। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल या दंतवल या कैल्शियम फॉस्फोनेट दांत जो होता है
तंत्रवल या इनेमल या कैल्शियम फास्फेट का बनाता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिकता को उदासीन किया जा सकता है। पशुओं तथा पौधों द्वारा उत्पन्न रासायनों से आत्मरक्षा। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा के उपयोग से आराम मिलता है। नेटल के डंक वाली बाल मेथेनोइक अम्ल छोड़ देते जाते हैं, जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डाक पोए पौधे की पत्ती की रगड़कर किया जाता है। यदि यह है कि पीएच लवण का पीएच, तो लवण का जो पीएच है, सीधा सीधी समझ लेना होगा कि प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक की अभिक्रिया जब कराते हैं तो उदासीन लवण बनता है, जिसका मान 7 के बराबर होता है या 7 होता है। इसी प्रकार प्रबल अम्ल और प्रदुर्बल क्षारक को मिलाते हैं तो अम्लीय लवण बनता है, जिसका मान पीएच मान 7 से कम होता है। इसी प्रकार प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल को मिलाते हैं तो क्षारकीय लवण का निर्माण होता है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो आज मैंने आपके समक्ष अम्ल क्षारक, इसका जो अगला पॉइंट है अम्ल क्षारक लवण से संबंधित जो चैप्टर है, उसकी जो विषय वस्तु है या टॉपिक है, उसको बतला रहा हूँ। यदि अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के लाइक बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें, ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स पहुँचती रहें। आगे का जो पॉइंट है वो है साधारण नमक से रसायन। तो साधारण नमक से कौन कौन सा रसायन बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बिरंजक चूर, बेकिंग सोडा, धोवन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये 5 रसायन बनता है से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब जल से करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और क्लोरीन गैस उत्पन्न करता है और हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न करता है। एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। कैथोड के पास NOH का विलयन बनता है। इसका उपयोग क्या करेंगे, किन चीज़ों में करेंगे? तो इसका उपयोग हम H2 ईंधन मार्गरीन के रूप में, क्लोरीन की जल की स्वच्छता PVC या CFC के लिए करेंगे। HCl का उपयोग हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इस्पात की सफाई या औषधि दवा बनाने के लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड वस्तुओं से, धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन या कागज बनाने के लिए क्लोरीन प्लस NaOH का अभिक्रिया कराते हैं। तो विरंजक चून बनता है, जो घरेलू विरंजन या वस्त्र के विरंजन के लिए, वस्त्र का जो दाग है उसको हटाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला दिया विरंजक चूर या ब्लीचिंग पाउडर क्या है? तो विरंजक शुष्क बुझे हुए चूने या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चून का निर्माण होता है। इसलिए जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब क्लोरीन गैस के साथ करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण होता है और जल देता है। उपयोग कहाँ करेंगे? वस्त्र उद्योग में सूती व लिनन के विरंजन के लिए। दूसरा दिया कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा के विरंजन के लिए। तीसरा दिया रासायनिक उद्योगों में एक अपचायक के रूप में। चौथा दिया है पीने वाले जल को रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में। बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, तो जो सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं और H2O, CO2 और NH3 के साथ कराते हैं, तो सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं। ये एक दुर्बल असंक्षारक
क्षारक है, खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, जल्देतार कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगला जो इसका इस उपी भाग दिया गया है, अगला भाग हमारा इसका है उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में या बेकिंग सोडा बनाने या टार्ट्रिक अम्ल बनाने में। इसका इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पारोटी या केक में खमीर उठ जाता है, इससे यह मुलायम या हिमस्पंजी हो जाता है। यह एक एंटासिड या प्रति अम्ल का संघटक है। इसका उपयोग सोडा अम्ल या अग्निशमन में किया जाता है। धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3×10H2O। तो सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धातु धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय प्लवन होता है। सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जब हम जल से साथ करते हैं तो सोडियम 10N2CO3×10H2O का निर्माण होता है, धोवन सोडा का निर्माण। उपयोग कहाँ करेंगे? इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। अगला पॉइंट दिया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस CSO4×1/2H2O कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सेमी हाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट POP बनाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल में मिलने पर पुनः जिप्सम बनकर ठोस पदार्थ देता है। यहाँ दिया गया है इसका अभिक्रिया कि कैल्शियम सल्फेट की अभिक्रिया जब हम CSO4×1H2O की अभिक्रिया जब हम 3×2H2O के साथ कराते हैं तो कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम का निर्माण होता है। इसका उपयोग कहाँ पे करेंगे? इसका उपयोग होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में। यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने में किया जाता है या इसका उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना करने के लिए भी किया जाता है। क्रिस्टलन का जल लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। उदाहरण दिया गया है इसमें जैसे कैल्शियम सल्फेट CuSO4×5H2O में क्रिस्टलन के जल के 5 अणु हैं, Na2CO3×10H2O में यहाँ कॉमन ही बिंदी है इंटू होगा में क्रिस्टलन के जल के 10 अणु हैं, CuSO4×2H2O में क्रिस्टलन के जल के 2 अणु हैं। तो मैंने आज आपके समक्ष 10वीं वर्ग के अम्ल क्षारक एवं लवण से संबंधित जो महत्वपूर्ण इसका टॉपिक थे, जो बिंदु था उसको रखा। आने वाले दिनों में और भी इस संबंधित जो प्रश्न हैं, जो चैप्टर हैं, उसका जो सारांश हैं उसको रखा जाएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स पहुँचती रहे।